नमस्कार, आज खबर को स्वागत करछना। संपूर्ण खबर देखा पूर्व प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। मयूरभंज जिला प्रशासन पक्ष ऋषिकेश हरिद्वार अभिमुखे 245 जन वरिष्ठ नागरिकों को नहीं बाहर तीर्थयात्री बस। मयूरभंज शाखा पक्ष समाजसेवी डॉक्टर नीरज कुमार पोतला विपदर बंधु सम्मान में करागला सम्मानित। मिलित जनशुणी विरोध में स्वर उत्तोलन करे जलेश्वर अभियोगकारी। मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तीर्थयात्रा योजन ओडिशा सरकार पर्यटन विभाग और मयूरभंज जिला प्रशासन तरफ आज ऋषिकेश और हरिद्वार अभिमुखे यात्रा आरंभ कर 245 जन वरिष्ठ नागरिक। अवसर में बारिपदा संस्कृति भवन ठारे जिलापाल विनीत भरद्वाज और जिला आरक्ष अधीक्षक ऋषिकेश दयानदयाल खिलारी वरिष्ठ नागरिक मानू शुभेच्छा जणाइबा सह एही यात्रा को सबुज पताका देखाई शुभ आरंभ करथिले एवं तीर्थयात्रा सफल और शुभप्रद हेउ बोली कामना करिछंती जिलापाल। राज्यर बहु वरिष्ठ नागरिक माने निजर आर्थिक स्थिति दुर्बल एवं अनन्य आनुषंगिक समस्या हेतु तीर्थयात्रा रु वंचित हेउतिले। मात्र मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तीर्थयात्रा योजना रे वरिष्ठ नागरिक माने विभिन्न तीर्थस्थान दर्शन करबा पई सुजोग पाउछंती जहाँ से मनरे बेस आनंद खेली जाइछि। एभली कार्यक्रम पर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाइछंती वरिष्ठ नागरिक। तेबे 245 जन वरिष्ठ नागरिक 6 बस जोगे दायित्व संपन्न 8 जन नोडल अधिकारी तत्वावधान में बालेश्वर अभिमुखे यात्रा करी बालेश्वर ठारे रात्रि रहणी परे 20 तारीख अर्थात सोमवार दिन एक स्वतंत्र ट्रेन जोगे ऋषिकेश और हरिद्वार अभिमुखे यात्रा करिबे। यात्रा समय रे 8 जन नोडल अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप जरिया रे वरिष्ठ नागरिकों फोटो और तथ्य नियमित समय व्यवधान रे जिला प्रशासन को अवगत कराइबे। तीर्थयात्रा शेष हेला परे पुणी एक स्वतंत्र ट्रेन जोगे 25 तारिख रे बालेश्वर रेल स्टेशन को प्रत्यावर्तन करिबा परे मयूरभंज जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था करा जाइतिबा बस जोगे सेमानंकु पुणी बालेश्वर बारिपदा अणाजिबो बोली सूचना मिली। आज 245 वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा आज आम फ्लैग ऑफ करूँ से हरिद्वार एवं ऋषिकेश जाकर तीर्थयात्रा करेंगे ताक सुविधापाई सब व्यवस्था कराई नोडल ऑफिसर्स भी तक सहित जा सुविधा मगणे कराई पूरा ट्रिप जो जो फैसिलिटी दरकार अच्छी सब अरेज कर। मु बहुत खुशी अच्छी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आम मानक यही परिणत बयस आमको बुलाई गोटे सुजोग देले से मु बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कृतज्ञता जनाऊँ। आम तो बयस हो गला ना आम हम तो आगे कुआडे जापर नपर से आमपाई ये गोटे सुजोग तेणु मुख्यमंत्री बहुत धन्यवाद दूँ। गोटे खुशी होम गरीब लोक आम पाखे आर्थिक अभाव नवीन सरकार जो पद्धतिटा नहीं बहुत उत्तम पद्धति नहीं बहु गरीब लोक जो माने कि माने तीर्थ जीवा समर्थ ना से आज बहु खुशी रे तीर्थ यात्रा कर। मयूरभंज रु संजीव कुमार रंजित का रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। ओडिशा अवसरप्राप्त आरक्ष पदाधिकारी कल्याण समिति मयूरभंज जिला शाखा पक्षर बारिपदा वनखंड अधिकारी कार्यालय प्रांगण से संकल्प सम्मिलनी कक्ष में वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित हो दिलीप कुमार दासों सभापतित्व में अनुष्ठित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जिलापाल विनीत भरद्वाज और मुख्य वक्ता भाव आरक्ष अधीक्षक ऋषिकेश डी खिलारी जोगदे। अवसर में विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर व्यक्ति विशेष अवसरप्राप्त अधिकारी और छात्र छात्री मानू अनुष्ठान पक्षर संबोधित करताधिक बार रक्तदान कर साधारण लोकों पर उदाहरण साजिता समाजसेवी डॉक्टर नीरज कुमार पोथाल को विपदर बंधु सम्मान में सम्मानित करपदर बंधु सम्मान में सम्मानित होगापर डॉक्टर पोथाल अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता धन्यवाद अर्पण करते। मयूरभंज संजीव कुमार रंजित का रिपोर्ट टीटीपी ओडिया। मिलित जनशुणी नाम चली प्रहसन बोली गर्जिले अभियोगकारी। सूचना अनुजाई बालेश्वर जिला जलेश्वर ब्लॉक परिसर रे जिलापाल एसपी मिलित शुणा थी बेले जिलापाल दत्तात्रेय भाउसाहेब सिंदे
और एसपी सागरिका नाथ उभय अनुपस्थित थिले। उपजिलापाल अतिरिक्त जिलापाल द्वारा जनशुनाणी शिविर चलितबार देखा मिलता तेबे बहु लोक सेमानंकर अभियोग नहीं आसीथिबा बेले जिलापाल एसपी को न पाई फेरी जाइथिले। तेबे बारंबार मिलित जनशुनाणी को आसी अभियोग करथिले मध्ये सेमानंकर समस्या समाधान हेउनथिबा अभियोग करबा सह जनशुनाणी नामरे एक प्रहसन चलीछि बोली लोकमाने अभियोग करबा सह एहाकु दृढ़ निंदा करथिले। मिलित जनशुनाणी रो तो प्रथम कथा हला जिलार मुख्य प्रशासक आपणकर कलेक्टर जिलापाल महोदय रहिबा उचित एवं आपणकर एसपी मध्य रहिबा उचित किंतु सेमाने नाहांती। जदि आपणकर जलेश्वर ब्लॉक रे यारी भितरे 2022 रो 23 फेब्रुवारी भितरे पांच थर आपणकर ग्रीवेंस हेलानी आमे जो ग्रीवेंस गुड़ाक बारंबार दौचु से ग्रीवेंस रो किछ सफल रूपायन नाई कौन कार्यानुष्ठान नाई जमी आपको गोटे ज्वलत उदाहरण मुझे आपणकर बर्तनारू आपणकर पश्चिम बाड़ पीडब्ल्यूडी रोड रोड आज पर्यंत से ही मान अकामी हो पड़ी कौन कार्यानुष्ठान निया जाऊना कि कार्य करना जो ठिकादार महोदय नहीं बालेश्वर सी रोच्च कि रास्ता किसी करूना बहुत असुविधा भितर आपणकर जलेश्वर बाल्यापाल संजोग करुच्ची रास्ता डेली लक्ष रु देढ़ लक्ष लोक जातायात करुं मरण जनता पलटी रास्ता नवेम्बर कंप्लीसन देवा कथा आज पर्यंत किसी ना एवं आज ग्रीवेन्स भी आपणकर पीडब्ल्यूडी मान डिपार्टमेंट आपणकर आसी ना आपणकर माने एसडीएम महोदय भी आसी ना ये दुई थर है जो जिलापाल महोदय आसवे आसुना हम डरुँच जनसाधारण को ये एक तो ओडिशा सरकार ये जनशुनाणी संपूर्ण प्रहसन ये मिथ्या प्रतिवाद गोटे लोक चारिथर कहीं आसो गोटे सब्जेक्ट नहीं चारिथर जो सब लोग आसो चिठी रखीदे डिपार्टमेंट को फरवर्ड करदे डिपार्टमेंट कहला मुझे कौन किसी कहीपरिनी गोटे नामपुर 5T उच्च विद्यालय से गोटे मारात्मक रास्ता होती मुझे डेली कलेक्टर सेक्रेटरी फोन कर डीएम महोदय को पिलाने पड़गले ऑन द स्पॉट डेथ हो तापर निंदकर्ण भागुना आज मन जिलापाल महोदय लीलू बाबू सार कहे डीओ को कहे इमिडियेटली एक्शन नियंतु तार डेली पिलाने प्राइवेट हस्पिटाल होती आ गए नामप बजार ठारूँ नामप आउटपोस्ट पर बजार पर्यटन गोटे काम होमें आरटीआई मगेलु आरटीआई मैं लिखिं से नामप आउटपोस्ट टू नामप बजार पर्यटन आरटीआई मागि सी जयेश्वर जयेश्वर टू चन्नेश्वर 6 कोटी टाँग काम या टू महादुर्नीति किसी अच्छी कहवर पीडब्ल्यू जे महोदय कोइले एप्लिकेंट जस्टिफाइड कर पाउ नहाती। जलेश्वर प्रदीप कुमार जेना को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कथा दे कथा रखिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक झारबंध पाइकमाल और पद्मपुर आयोजित साधारण सभा जोगदे 150 कोटी 58 लक्ष टंकार 1700 प्रकल्पर शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री। एथिसहित पद्मपुर निर्वाचन मंडली 21 कोटी 29 लक्ष टंकार 127 प्रकल्प को उद्घाटन करथिले मुख्यमंत्री। पद्मपुर उपनिर्वाचन रे विपुल भोट पाई विजय हासिल करथिबा भोटर और जनसाधारण को धन्यवाद जणाइथिले मुख्यमंत्री। उपनिर्वाचन रे जेउ प्रतिश्रुति देथिले ताकु कार्यकारी करा जिवो। 2023 डिसेंबर शेष सुधा पद्मपुर नूतन जिला मान्यता मिलिबो बोली मुख्यमंत्री तांको अभिभाषण रे कहिथिले। उपनिर्वाचन रे माळमाळ केन्द्र मंत्री आसीथिले। रेलपथ निर्माण प्रधानमंत्री फसल बीमा भली अनेक प्रतिश्रुति देथिले हेले किछि भी करि नाहंती। केन्द्र मंत्री माने केवल भाषण देबा जानंती आमे कथा नुहे कामरे विश्वास करू। आगामी दिन रे पद्मपुर निर्वाचन मंडली रे अनेक विकासमूलक काम करा जिवो एवं लोकंक सबु दाबी पूरण करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। मुख्यमंत्री को गस्त रे मंत्री राजेन्द्र ढोलकिया मंत्री प्रताप देव मंत्री टुकुनी साहू मंत्री रीता साहू मंत्री नरेन्द्र प्रताप स्वाई भटली विधायक सुशांत सिंह पद्मपुर विधायक वर्षाराणी सिंह बरिहा बरगढ़ विधायक देवेश आचार्य देवी प्रसाद मिश्र प्रमुख मंचासीन थिले। मुख्यमंत्री कहिले मु जा कहिथिली सेति पे आसीली एवं आपण को मु ऋणी तांकर कथार से वर्षा सिंह बरिहा को जितेई तेणु उन्नयनमूलक कार्यपाई जहाँ से कही तीन मस नपूर्ण देखु डिसेम्बर 2 रे ये जगह को आसी से आसिले एवं 14 पंचायत जनसाधारण आज आगु 118 कोटी कार्यक्रम गला किस आगु नहीं आरंभ करते आज प्राय 90 कोटी टंकार शुभारंभ कले 8 कोटी ऊर्ध लोकार्पण कले प्राय आमर जो ग्रीड आने गुड़ाक कहले जगह हेलापर ताकू काम आरंभ हम
एवं जो जल भंडार कथा चाषी मान समस्या ग्रीड भी चाषी समस्या कहना ये ए ब्लॉक रे मैक्सिमम चाषी होती सब बोरवेल रु पा नौ इलेक्ट्रिक नथिबा द्वारा फ्लक्चुएसन हवा द्वारा पाइपर ना तेणु ताकू भी से प्राय अराउंड माने 200 कोटी टंगार खंडे उद्घोषणा भी कले जी माननीय मुख्यमंत्री झारबंद पाइकमाल पदमपुर तीनटा जगह ब्लॉक गस्त करदिले एवं हरहारी 1700 प्रकल्प को शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन देखते आगामी दिन में आप जोटा जरूरी थी आम झारबंद ब्लॉक गोटे बड़ ग्रिड रार जमी अधिग्रहण सर से किसी दिन भितर तार टेंडर प्रोसेस हो मैंने जोटा ग्रामांचल डिमांड थी छोट छोट प्रकल्प सब प्रकल्प सैंक्शन कर मैंने अनुदान पठे देखते आगामी दिन से कार्य आरंभ हो 2023 भितर आमर जिला पुनर्गठन कमिटी गठन हो सी पदमपुर गोटे जिला 31 नंबर जिला मान्यता पाइबापी से बैगरी जाइए आम यहाँ ट्रैक्टर नेमु ट्रैक्टर किनिकर चाष करमु जिते ग्रुप्र महिला मैंने उन्नति करमु आउ उन्नति करी जेनटा बाहर आड़ आम आनुछ आहाके ट्रैक्टर भाड़ा दौछ से आम नहीं आनु निजे घिनमु आ सब महिला नहीं करी आम चाष करमु आउ चाष करी करी किछि देमु भी भाड़ा भुड़ी रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। भुवनेश्वर उपखंड तथा ऐतिह्य संपन्न शिशुपाल गड़र प्रत्यक्ष अधिष्ठात्री देवी माँ मंगला वार्षिक यज्ञानुष्ठान इतिमध्यरे आरंभ हो जाएगी। विगत 50 वर्ष रु ऊर्ध वर्ष धरि जगतर कल्याण निमन्ते एही विश्वशांति महायज्ञ होइआसुछि। चलित वर्ष हेउतिबा 3 दिन व्यापी कार्यक्रम पुनावृत्ति आसंतकाली संपन्न हेब। माँ मंगला प्रत्यक्ष रूपे श्रद्धालु माने उपलब्धि करिपारुथिबारु समस्ते एठाकु छुट्टी आसिछंती। एही पूजार प्रथम संध्यारे कलश स्थापना सह अंकुर रोपण कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। एहा सहित समस्त देवादेवी उद्देश्य रे कृत आहुति प्रदान सह आळती पुष्पांजलि प्रदान करा जाइतिला। सेहिपरि माँ मंगला निकटरे आळती संपन्न करा जाइतिला। मंदिरर मुख्य पूजक प्रेमानंद सुंदराय द्वारा माँ पूजा संपन्न होइतिबा बेले पंडित सुरेन्द्र कुमार पुरोहित जनार्दन पंडा दीपक कुमार दास चित्तरंजन शतपथी प्रमुख द्वारा एही यज्ञ पूजा संपन्न करा जाइतिला। एही पूजा रे अर्जुन पंडा और बलराम दास प्रमुख सहयोग करथिले। एहा सहित श्रीमती सीता सुंदराय प्रभात सुंदराय ममता सुंदराय प्रमुख कर्ता एवं कर्ती भावरे प्रमुख सेवा प्रदान करथिले। पूजा समय रे महिला मानक द्वारा पका जाइथिबा हुळहुळी हरिपल ध्वनि रे समग्र अंचल आध्यात्मिकमय होई उठिथिला। एही यज्ञ रे सूर्य पूजा ठारु आरंभ करी साला पूजा अभिषेक चंडीपाठ मंडल पूजा उपचार पूजा सह अग्निदेव एवं माँ मंगला निकटरे प्रत्येक दिन घूत आहुति प्रदान करा जिबो। सूचना अनुसार माँ मंगला हेउछंती परम वैष्णवी जहाँकि एही पीठर विशेषत्व। एठिक बोहिक आसला पर देखिली 50-60 वर्ष होगा यज्ञ वार्षिक यज्ञानुष्ठान चली बहुत निजी भाग्यवान मन करुच्चे आज सामंद्रापुर निकटस्थ शिशुपाड़गढ़ ग्राम से 50-60 वर्ष होगा ये यज्ञानुष्ठान चली आम जोगदान देचु आ बहुत स्त्रीलोक भी आसिक योगदान दौरान ये तीन दिन धरी यज्ञानुष्ठान चले भुवनेश्वर भी बहुत भक्त मैंने आसती जार कि मनस्कामना माँ पूरण करमें मैंने भी बहुत कृतज्ञता है। शिशुपालगड़ अधिष्ठात्री देवी माँ सर्वमंगला देवीर त्रिदिनात्मक विश्वशांति महाज्ञ कार्य आरंभ हो बहुत भक्त मान आसुंट माँ को प्रत्येक दिन सूर्य पूजा सहित मंडल पूजा चंडी गीतापाठ सहित यज्ञ कार्य सफल हो यज्ञ नारायण प्रार्थना मुझे प्रार्थना करुच्ची समस्त जगतर मंगल करतु माँ सर्वमंगला समस्त शिशुपालगड़वासी मंगल कर सहित भुवनेश्वर लोक समस्त मंगल कामना करतु माँ सर्वमंगला देवी नमः। भुवनेश्वर ब्यूरो रिपोर्ट डीटीपी ओडिया।
कटक बारवाटी स्टेडियम कन्फरेन्सींग हल्ले द्वितीय पर्याय खेलो इंडिया महिला फ्रेन्सी लीग और रैंकिंग टूर्णामेटर सांबादिक सम्मिलन आयोजन होता। यह मार्च 23-25 तारीख जाए कटक जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम खेल। खेल को परिचालना करे ओडिशा टेस्ट फ्रेंचिंग एसोसिएशन तथा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा फ्रेंचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। खेल में ओडिशार 10 जन खेला भाग ने पखापाखि 400+ महिला खेला भाग ने जो मैंने रजिस्ट्रेशन करेंगे से ही खेला मैंने ही भाग ने। तीनोटी फॉर्मेट्रे खेल हो कैडेट सीनियर और जूनियर। ओडिशा टेस्ट फ्रेंचिंग एसोसिएशन सभापति देवेंद्र कुमार साहू सांबादिक सम्मेलन यह घोषणा करते खेलो इंडिया प्रोग्राम सेकेंड फेज वुमेन लीग एंड रैंकिंग टूर्नामेंट यहाँ आम 23-26 इंडोर स्टेडियम हम इतने आम तीन टा कैटेगरी अच्छी ओनली वुमेन कैडेट जूनियर एंड सीनियर टोटल आम कैश अवार्ड रखिंट 17 लाख जो मैंने फास्ट देवे से 50,000 टाँचा सेकेंड 40,000 टाँचा थर्ड डबल 30-30-60 8 पर्यंत अच्छी आम बेस्ट 8 आम कैश अवार्ड अच्छी 10-10 कर बेस्ट 8 पर्यंत पे पाइबे नियर अबाउट 400+ पार्टिसिपेंट आसे। ये जो टूर्नामेंट हो यहाँ आम रही खाइबा टोटाली निज ओन खर्च आम फेडेरेसन किसी करूनी ओन आसवे निजे आसे रही है खेल आम जो टेक्निकल अफिशियाल प्रोवाइड कर रूम को यह सब आम दायित्व। देखो बर्तमान खेल धारा परिवर्तन हो जाए आगुरी केवल नेशनल होता स्टेट होता एवं गोटे लीग टूर्नामेंट होगा रैंकिंग टूर्नामेंट से टोटाली ओपन आपन से निज एफर्ट जाइना टूर्नामेंट खेलिबे जिते टूर्नामेंट खेलिबे आपन से रैंकिंग बढ़ो जिते अधिका जितिबे से रैंकिंग बढ़ो एंड ओवरऑल आप रैंकिंग को लेकिन आप इंटरनेशनल सिलेक्शन हो नेशनल बेस्रु इंटरनेशनल सिलेक्शन होगा सब खेल ये धारा बर्तमान प्रचलित तेणु आग को बर्तमान ये रैंकिंग टूर्नामेंट वैल्यू बढ़ी बढ़ी जाऊँच आपण मैंने तो जानते ओडिशा फेंसिंग एसोसिएशन विगत बहु वर्ष भितर 5 जातीय एवं जातीय स्तरीय प्रतियोगिता सफलतार अनुष्ठित कर सारी आम एवर्ष भी सियोर जो ये आम रैंकिंग टूर्नामेंट वोमेन लीग रैंकिंग टूर्नामेंट अति सफलतार सहित समाप्त। कटक रु जावेद अहमद का रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। 1922 मसीह कलाहांडी जिलार एम रामपुर पाद थापी कामना दंड को 2022 एक शत वर्ष पूर्ति होता बेले दुईदिनिया शतवार्षिकी समारोह उद्यापनी उत्सव अवसर में जीवनर तत्व आ सत्य को उपलब्धि कराई कामना दंड बोली अतिथि माने मत व्यक्त करते। दुई दिन धरी चली शतवार्षिकी महोत्सव विभिन्न पर्यायर विभिन्न कार्यक्रम सहित उद्यापित हो जाइछि। परिषदर सभापति रुद्र प्रताप सिंह अध्यक्षतार उद्यापनी दिवस रे मुख्य अतिथि भावे नल्ला निर्वाचन मंडली विधायक भूपिंदर सिंह सांस्कृतिक सभारे मुख्य अतिथि भावे ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी सचिव प्रबोध कुमार रथ मुख्य वक्ता अवसरप्राप्त प्राध्यापक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नायक सम्मानित अतिथि डॉक्टर घासीराम मिश्र डॉक्टर प्रदीप कुमार पटनायक प्रमुख जोग देते। प्रारंभ में मंगलाचरण करते पंडित अंतजामी मिश्र एवं गणेश वंदना करते संतोष कुमार दुबे एवं तांकु सहयोग करते रमाकांत प्रहराज मंच परिचालना करते हेमंत साहू। एही अवसर में दंडपाणी महाखोड़ स्मृति संवर्धना पर्व संस्कृतिविद कलाकार भीमसेन साहू कैलाश चंद्र नायक असित कुमार शतपथी डॉक्टर प्रदीप कुमार पटनायक को अतिथि मानक द्वारा मानपत्र उपायन दे संबोधित कर मानपत्र पठन करते परमानंद बिसी सत्यनारायण साहू विजय महाखुड कृष्णचंद्र साहू धन्यवाद देते प्रशांत सामंतराय। सांस्कृतिक सभा पर बौद्धर दंडनृत्य और खोर्धारु आसी भरत नीला दर्शकों मनोरंजन परेशित होता। समस्त कार्यक्रम परिचालन परिषदर उपदेष्टा प्राध्यापक शैलेन्द्र प्रसाद आचार्य पद्मलोचन मिश्र ठाकुर चरण साहू उपसभापति ललित कुमार महालिक कोषाध्यक्ष विभूति भूषण महाखुड़ जुग्म संपादक द्रोणाचार्य माझी सह संपादक ललित स्वाई बनमाली दंडसेना उद्धव पंडा रजनीकांत महाखुड़ बसंत महाखुड़ विनोद महाखुड़ सुरेंद्र दंडसेना प्रमुख सहयोग करते। कलाहांडी सुशांत मल्लिक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। विद्यालय खेल पड़िया जा रास्त
बालीगाड़ी चलाचल को ग्रामवासी विरोध घटन सालेपुर तहसिलदार और महांगा तहसिलदार मिलित तदंत समय ग्रामवासी विरोध करने उत्तेजना कर देखा मिले एभली घटना देखा मिली कटक जिला सालेपुर ब्लॉक रामेश्वर पंचायत भीमराजपुर ठारे भीमराजपुर स्कूल खेलपड़िया बाली बोझे गाड़ी जातायत करुवर छात्र छात्री मान पाठपढ़ा खेल ना नसुविधार सम्मुखीन होवु ग्रामवासी बालीगुड़ी चलाचल को विरोध कर आसुवा बेले सालेपुर तहसिलदार और महांगा तहसिलदार को विरोध करने तहसिलदार गाड़ी को अटकई एभलिकी ग्रामवासी मैंने विरोध कर तहसिलदार गाड़ी आगे शोबार देखा मिली सरकार पक्षर भीमराजपुर ठारे बालीघाट को निलाम सूत्र में दि जाए बालीघाट को बालीचा सरकारी रास्ता थिले भी बालीचा स्कूल खेलपड़िया रास्ता जातायात को स्थानीय बुद्धिजीवी ग्रामवासी और कोमलमती छात्र छात्री अभिभावक मैंने विरोध करते ग्रामवासी मैंने घटना को प्रशासनिक संपूर्ण भाव में बंद नक नदीबंध रास्ता दुर्बल होगासह बर्षा दिन में बनार आशंका देखादेवार संभावना को एड़ाई दि जा नपे जदि प्रशासन यह घटना को संपूर्ण बंद न करती तेरे आगामी दिन में ग्रामवासी पक्षर जोरदार प्रतिवाद स्वरूप धारणा दिजा चेतावनी देखते एपटे सालेपुर तहसिलदार और महांगा तहसिलदार हटहटा हो फेरी बेले कैमेरा सामने किसी मुह खोली ना विरोधी करुच्छू कि बाली आम रास्त छाड़बुनु कौन से मत छाड़बुनु कारण आम पु झी छोट छोट पाने बुढ़ा बुढ़ी भल मंद राति पाइले आम नई की जावासिया करूँ गाधेबू झाड़ा जीव सब करूँ कि आम बाली कौन प्रकार छाड़बुनु खी खानन बाली ये सब सरकार नियम अनुसार निलाम हम किंतु जोड़ा निलाम हम सरकार प्रजा उपकार किंतु जो प्रजा क्षति हे से निलामटा नल भल हाँ आमर एतिक अनुरोध से नदीकूल मैंने घर कर बहुत हरिजन लोक से घाई जो बड़ बड़ खाल होते बनिया आज बड़ बड़ अतरा खसीदे घर दोनों पा पड़ जा घर पाटी पाने मिसीजी जदि से गोटे वाइड कर रास्ता कर स्पर करा बाबार स्वतंत्र सरकार रास्ता खोली दिखते तर पब्लिक कहीं कौन कौन करते आमर नदी गर्भ भितर तीन सौ घर अच्छी 1913 मसीह गोटे प्राथमिक स्कूल अच्छी अंगनवाड़ी सेन्टर दुटा अच्छी बुझे तापर लिफ्ट इरीगेशन पॉइंट भी अच्छी भितर आह्वान कालू भीमराजपुर मकुनपुर संकम भितर बालीघाट लीज हुए ना ताकू तहसीलदार महोदय पांच वर्ष तेज जड़े आम आंचलिक लोक को लीज देदेले आम अज्ञात नोटिस ना कि नहीं आम जापरल तापर आम बालीघाट बंद कलु बाबू ये बाली नहीं गले आमर ये घर द्वार सब भांगिज 1982 मसीह नदीबंधर सतटा घाई होता ये जमुनापाट आमर हूँ दाना हाँ आम झगड़ा करूनु आम रक्षा निजर रक्षापाई आम प्रतिवाद करुचु ये बाली उठिले आमर विशेष क्षति हे 8 फुट चौड़े बंधटी आमर पाने राति पाइले शह शह पा कलेज स्कूल को जाती पाठ पढ़ापी सैकेल नदी सेपटे बाली उठेले टिकराठ गोटे कलेज पाटा को मड़ेदे गाड़ी मरीगला कौन फेरदेवे ये गोटाए जदि हावए गाड़ी जाए तेरे गोटे सैकेल कटिया बाट ना ते नदी बंधकरण चलीगले आम ये अंचल गोटाए पंचायत दुईटा पंचायत लोक मैंने दाना कष्ट हाहा खाए मरीज सालेपुर प्रफुल मिश्रा रिपोर्ट डीटीवी ओडिया मयूरभंज जिला प्रशासन पक्षर ऋषिकेश हरिद्वार अभिमुखे 245 जन वरिष्ठ नागरिक को नहीं बाहर तीर्थयात्री बस मयूरभंज शाखा पक्षर समाजसेवी डॉक्टर नीरज कुमार पोथला विपदर बंधु सम्मान में करागला सम्मानित मिलित जनशुणी विरोध में स्वर उत्तोलन करे जलेश्वर अभियोगकारी आज खबर को ये रखुचे नमस्कार। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानक श्रवण जंत्र वाटरप्रूफ श्रवण जंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध मोबाइल नंबर 8050604137 9337868604 डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।